How to fix OnePlus One charging slow after update problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है चार्जिंग स्लो आफ्टर अपडेट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक OnePlus की डिवाइस में बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि जब वो अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं तब दोस्तों उनका चार्जिंग अपने आप स्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल भी। लेकिन अगर चार्जिंग स्लो हो रहा है आफ्टर द अपडेट, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखना है, क्या क्या सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है, और चार्जिंग करते वक्त आपको क्या चीज़ें अवॉइड करना है, वो सब इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चार्जिंग स्लो का प्रॉब्लम है, ठीक है, आफ्टर अपडेट, तो आप अपने मोबाइल को सबसे पहले रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद जाइए सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें और बैटरी ऑप्शन पे जाके ऑप्टिमाइज चार्जिंग को ऑन कर दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चेक कीजिए आपके केबल उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। अब ओरिजिनल चार्जर केबल यूज़ करके देखिए। तो यहाँ पे एडेप्टर भी दोस्तों फास्ट चार्जिंग वोल्ट का होना चाहिए। सारे साथ आपका जो वायर है, केबल जो है, ठीक है, यूएसबी केबल चार्जिंग जो करते हैं वो भी दोस्तों ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके जो चार्जिंग का यहाँ पे जो केबल और एडेप्टर है वो दोस्तों ओरिजिनल आप यूज़ करके देखिए, तो उससे दोस्तों आपका काम बन जाना चाहिए। अगर आप किसी भी सस्ते वाला चार्जर यूज़ करते हैं तो दोस्तों उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना है, साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम भी उसी से सॉल्व होगा। लेकिन कई बार उससे भी काम नहीं होते, ओरिजिनल चार्जर यूज़ कर रहे होते लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल को एक बार सेफ मोड पर रिबूट करना है। उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए। पावर ऑफ के बटन पर 2 सेकेंड आपको क्लिक करके रखना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पे मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट कर दीजिए। सेफ मोड पे रिबूट करते ही आप चार्जिंग करके देखिए और आपके सारे जो लोकेशन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, स्टेटस बार में आपके सारे जो कनेक्शंस हैं उनको ऑफ कीजिए। स्पेशली लोकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट जो भी ऑन है उनको आप स्पेशली ऑफ करके रख दीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कीजिए, और अगर मोबाइल पे कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या फिर कोई भी बैड एप्लीकेशन है जो कि आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो आप उनको डिलीट करें। बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो एप्लीकेशन होते हैं जो आप किसी भी वेबसाइट से इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, अननोन वेबसाइट्स, तो उन एप्लीकेशंस को डिलीट करें एंड देन आपका इशू इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार दोस्तों यहाँ पे मोबाइल पे जो है शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। तो आपके मोबाइल पे जो चार्जिंग का पिन रहते हैं वो पिन दोस्तों बैन हो जाने से भी चार्जिंग स्लो हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओरिजिनल चार्जर यूज़ करे, सारे सॉल्यूशन करके देखा फिर भी चार्जिंग स्लो है बहुत ज़्यादा, तो आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जाके अपने फ़ोन को चेक करवाइए, वही पिन का प्रॉब्लम निकलेगा, ठीक है। तो वो फिक्स करने के बाद आपका चार्जिंग खुद ब खुद फास्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर पाओगे, ठीक है। अभी दोस्तों चार्जिंग करते वक्त आपको हाई गेमिंग वगैरह नहीं करना है, बस मोबाइल को लॉक करके साइड में रख दीजिए और चार्जिंग को चला दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से आपका फ़ोन चार्ज होगा फुल स्पीड में और आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका जो पिन है मोबाइल चार्जिंग का वो सही होना चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान दें। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी का चार्जिंग केबल यूज़ करते तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली OnePlus के जो डिवाइस है उसमें एक चार्जर यूज़ करना बेहतर ऑप्शन है। अगर आप सारे डिवाइसेस का चार्जिंग इसको बदल बदल के यूज़ करते हैं, दूसरे दूसरे पिन को यूज़ करते हैं, या फिर आप अपने केबल को किसी के साथ शेयर करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर होते तो आप यही सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में सब कुछ फिक्स
हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतने, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।